हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा सोशल मीडिया अ साइलेंट किलर टू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, राइट, बुक रीडिंग। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। साथ ही साथ जो है आप सभी जो है इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप सारे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर सकते हो, राइट। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। और आजकल सोशल इशूज़ और करेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, ऐसे इशूज़ पर ही ऐसे ज़्यादा हैं, तो आप इस टाइप के टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करते चलें। और ये सीरीज़ आप जरूर कम्प्लीटली वॉच करिएगा, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिलेंगे, राइट। SSC, CGL, CHSL, MTS या बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस सीरीज़ को वॉच कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से इसको आप कम्प्लीटली जरूर देखिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको प्रेसी और आपको ऐसे लेटर के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ ऐसेज मिल जाएंगे इन बुक्स में, जो जिनको आप कवर कर सकते हो, और सारे मोस्ट रीसेंट टॉपिक भी इसमें इंक्लूडेड है, और जितने आपके इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, राइट। साथ ही साथ आपको लेटर्स भी मिल जाएंगे, पत्र भी मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। और प्रेसी राइटिंग की बुक में आपको 60+ प्रेसी के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रेसी और बेसिकली जो है आपका लेटर, ये तीन चीज़ें ही बेसिकली आपको प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी इन बुक्स के थ्रू, जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो जिनसे, राइट। और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, लोएस्ट कॉस्ट में आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, अराउंड 250 वर्ड्स में सारे ऐसे इसको कवर किया गया है, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेट स्टार्ट। शुरुआत हम लोग दोस्तों करेंगे इंट्रोडक्शन से, कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, यहाँ पर स्टार्टिंग एक कोटेशन से कर सकते हो, जैसे कि अ रूम विदाउट बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल, ठीक है। यानी कोई भी रूम जिसमें बुक ना हो वो एक तरह से बॉडी की तरह है जिसमें सोल ना हो, ठीक है, जिसमें आत्मा ना हो, राइट। तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, इज अ वेल नोन कोटेशन ऑफ मार्कस टुलियस, ठीक है। मार्कस टुलियस की स्टेटमेंट है जिसको यहाँ पर आप इलैबोरेट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हो, राइट। विद द ग्रोइंग टेंडेंसी एंड लाइकिंग टुवर्ड सोशल मीडिया साइट्स, देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर द बुक्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। यहाँ पे अब आप शुरुआत कर सकते हो, इलैबोरेट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। स्टार्टिंग आप करोगे इस तरह से कि जैसे जैसे ये ग्रोइंग टेंडेंसी और लाइकिंग बढ़ रही है इसके प्रति, सोशल मीडिया साइट्स के प्रति, वैसे वैसे क्या हो रहा है जो बुक्स है उनके प्रति जो हमारी रुचि है वो खत्म होती जा रही है, या कह सकते हो एक तरह से बुक्स के लिए कोई प्लेस ही नहीं बचा है हमारी लाइफ में, राइट। अ रिसेंट सर्वे इन इंडिया शोड दैट द टेंडेंसी टू रीड अ बुक डिक्रीजेस विद द ग्रोइंग एज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। यानी जो रिसेंट सर्वे कंडक्ट कराया गया इंडिया में वो ये शो करता है कि जैसे जैसे किसी पर्सन की एज बढ़ती है, जैसे जैसे कोई पर्सन ग्रो होता जाता है, वैसे वैसे उसमें रीडिंग की हैबिट जो है, या फिर बुक रीडिंग की हैबिट या टेंडेंसी जो है, वो डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कम होती चली जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है इसको इलैबोरेट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। शुरुआत आप यहाँ पे कर लोगे इस तरह से, राइट। विद द ग्रोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट आवर एफिनिटी टुवर्ड्स मोबाइल डिवाइसेस ग्रो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे इंटरनेट और बढ़ता गया, जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारी जो एफिनिटी है, हमारी जो लाइकिंग है, हमारी जो टेंडेंसी है टुवर्ड्स मोबाइल डिवाइसेस, वो ग्रो होती जा रही है, मतलब और तेजी से बढ़ती जा रही है, राइट। बुक्स हैव बीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वंडर्स ऑफ ह्यूमन माइंड, लेकिन आप कह सकते हो कि जो बुक्स हैं वो एक तरह से रिफ्लेक्शन हैं हमारे ह्यूमन माइंड के लिए, क्योंकि वो हमारी माइंड में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। थ्रू बुक्स वी हैव इमोर्टलाइज्ड ह्यूमन हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड वॉट एवर वी नो टूडे, ठीक है। यानी जो भी चीज़ हम सीखते हैं, जो भी इमोर्टलाइज चीज़ें हैं, वो सब बुक्स के द्वारा ही, कभी ना कभी बुक्स लिखी गई उनके द्वारा ही हमें चीज़ों को जानने का मौका मिला, चाहे वो हिस्ट्री हो, कल्चर हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी हमें पता है, जो कुछ भी हम जानते हैं, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है।
तो इस तरह से दोस्तों आप बता सकते हो कि बुक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और इस प्रेजेंट लाइफ प्रेजेंट टाइम में भी हम जो कुछ जानते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें बुक्स के माध्यम से ही हमें पता चलती हैं, तो इस तरह से आप जो है बता सकते हो, इम्पोर्टेंस को बता सकते हो कि बुक्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन आप इस तरह से इसका लिख लोगे बेस्ट तरीके से। आगे मूव करते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में। यहाँ पे आप इसको और इलाबरेट करोगे, जैसे बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इंटेलेक्चुअल हेल्थ। ठीक है, अब बुक्स क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हो इट एक्सपेंड्स अवर इमेजिनेशन एंड मेक्स अस ब्रीच अवर बाउंड्रीज। ठीक है, अब बुक्स के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, बुक्स के द्वारा हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी इमेजिनेशन जो है वो एक्सपेंड करती है, बढ़ती जाती है, साथ ही साथ जो जिस बाउंड्री में हम रह रहे हैं, हमारी ब्रीच ऑफ बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि हमारी सोचने की क्षमता, कि हम एक सर्टेन लेवल तक ही सोच पाते हैं, लेकिन जब हम बुक्स पढ़ने लगते हैं, दूसरों के विचार जानने लगते हैं, तो हमारी जो बाउंड्रीज है वो ब्रीच हो जाती हैं, मतलब हम अपनी बाउंड्रीज अपनी लिमिट्स से ज़्यादा सोचते हैं और उनको और भी ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से हमारी जो टेंडेंसी है और जो हमारी इमेजिनेशन है बुक्स, वो और ज़्यादा एक्सपेंड होती जाती है, हमारी इमेजिनेशन, हमारा सेंस जो है, हमारा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है और ज़्यादा ग्रो करने लगती है, तो इस तरह से यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस को बता सकते हो। हेंस रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एंड अनडिनाइबल पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हो कि रीडिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट और एक अनडिनाइबल पार्ट है हर किसी की लाइफ का। ठीक है, केवल कुछ पर्सन्स की लाइफ का ही नहीं, ये हर एक व्यक्ति की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अनडिनाइबल पार्ट होना चाहिए, बट एज वी हैव इवॉल्व टेक्नोलॉजिकली वी हैव लॉस दिस हैबिट। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली हम लोग इवॉल्व होते जा रहे हैं, जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी रूप से जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो रीडिंग हैबिट है वो हमारी छूटती चली जा रही है, वैसे वैसे हम इस हैबिट को लॉस करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इस तरह से बता सकते हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पर। द एडवांसमेंट ऑफ द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन इनक्रेडिवली फास्ट। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो एडवांसमेंट हुई है, तरक्की जो हुई है एक तरह से इंटरनेट और स्मार्टफोन में, वो बहुत ही तेजी से हुई है पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो। इट इज अनडिनाइबल दैट सोशल मीडिया हैज ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन कम्युनिकेशन। आप ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन में एक बहुत ही भारी बदलाव आया है, पैराडाइम शिफ्ट आया है, एंड मेड एंटरटेनमेंट इजी अवेलेबल एट अ चीप कॉस्ट। और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो एंटरटेनमेंट है वो भी काफ़ी आसान हो चुका है और चीप हो चुका है, यानी हम कभी भी जब भी हम बेसिकली बोर हो रहे होते हैं तो फ़ोन उठा के व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पे विज़िट करते हैं, उन पे अपना टाइम पास करते हैं, एक तरह से वो हमारा इंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये चीप सोर्स भी बन चुका है इंटरटेनमेंट का, तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आपको इसको कैसे दिखना है, किस तरह से कंक्लूड करोगे, ये भी देखते हैं। अब देखो, बट आवर एक्सेस डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी हैज पुट अस इन अ परपेचुअली डिस्ट्रैक्टेड मोड। लेकिन वो क्या रहा है, इससे सबसे बड़ी खराबी क्या है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी पे ऊपर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, एक्सेस डिपेंडेंस की वजह से क्या हो रहा है, परपेचुअली हम डिस्ट्रैक्टेड मोड में जा चुके हैं, मतलब हमारा मन ही नहीं लगता कहीं पर, हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हमारा बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं किसकी वजह से, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी की वजह से, तो इसको भी यहाँ पे आप बता लोगे। इसके बाद देखो, फॉर द चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स नर्चर्स देम टू फॉर्म देयर ओन आइडियाज एंड हेल्प इन डेवलप ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर चिल्ड्रंस के लिए बात की जाए तो चिल्ड्रंस में बुक्स रीडिंग से क्या होता है, वे अपने खुद के आइडियाज को नर्चर यानी डेवलप कर पाते हैं, साथ ही साथ उनके ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है बुक रीडिंग, वाइल वेन एनी ग्रोन अप रीड्स दे कैन काम देयर माइंड एंड ब्रॉडन देयर आउटलुक। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब कोई ग्रोन अप
व्यक्ति जो कोई बड़ा व्यक्ति रीड करता है, रीडिंग करता है, तो उससे क्या होता है, उसके माइंड काम होता है, माइंड जो है शांत होता है, साथ ही साथ जो उसका आउटलुक है, जो नजरिया है, वो भी ब्रॉडन होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। तो ये भी एक यहाँ पे एडवांटेज है जिसको यहाँ पे आप लिख सकते हो, बता सकते हो, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा इंसाइट्स है, ठीक है, ह्यूमन इंसाइट्स से डेवलप होने से क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा एटीट्यूड है और हमारा जो बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, चेंज होती चली जाती है, इनमें बदलाव होता चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो कंक्लूड रन सेक्शन में। इसके बाद देखो, इनकरेजिंग बुक्स रीडिंग थ्रू सोशल मीडिया यूज़ ऑफ ई बुक्स आर अ फ्यू स्टार्टिंग स्टेप्स, ठीक है। यानी एक तरह से हम बुक रीडिंग को इनकरेज कर सकते हैं, किसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ई बुक्स का यूज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि लोग सोशल मीडिया पे मोबाइल से ही बेसिकली बुक्स को ही पढ़ सकें, राइट। तो ये एक फ्यू स्टेप्स हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हो, इलाबरेट कर सकते हो कि कैसे हम बुक रीडिंग डेवलप करें, राइट। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सोशल मीडिया, वी नीड टू वर्क कंस्ट्रक्टिवली सो दैट वी कैन रीप द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया एज वेल एज द री बुक्स, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो, फाइनली कंक्लूड करते हुए, कि सोशल मीडिया को ब्लेम करने से अच्छा हमें इस पर कंस्ट्रक्टिवली वर्क करना चाहिए, ताकि हम बेनिफिट्स जो हैं सोशल मीडिया और बुक्स दोनों को ही रीप कर सकें, दोनों का ही एडवांटेज ले सकें, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, इस टॉपिक को इलेबरेट कर सकते हो, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा लिखना कैसे है इस टॉपिक को, कि एग्जाम में अगर ये टॉपिक पूछ लिया जाता है तो, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको आई होप समझ आ गया होगा बेस्ट वे से कैसे आपको इसको इलेबरेट करोगे, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करते रहिए बाकी के टॉपिक्स को भी, साथ ही साथ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर आप नए हो तो, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, राइट। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।